दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री। युवा संत धीरेंद्र शास्त्री आज मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री आजकल बागेश्वर धाम में अपनी रामकथा और दिव्य दरबार लगाकर सोशल मीडिया में खूब वायरल रहते हैं। आए दिन उनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाती है। इनके भक्त इन्हें अंतर्यामी कहते हैं। अपने दरबार में ये सैकड़ों लोगों में से किसी भी एक को उठा लेते हैं, उसको बुला लेते हैं मंच पर और बिना उससे पूछे उसका सवाल जान लेते हैं और उसके बाद उस सवाल का जवाब भी पर्ची में लिखकर उसको दिखा देते हैं और सामने वाला हैरान रह जाता है, अरे पंडित जी को कैसे पता चल गया कि मैं ये समस्या लेकर आया हूँ, और समाधान भी लिख के दे देते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री आजकल रामकथा से आगे बढ़कर फिल्मों के बॉयकॉट अभियान में भी जुड़ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान के बॉयकॉट का अपने भक्तों से आह्वान भी किया था। लेकिन दूसरों की समस्या बिना बताए जान जाने का दावा करने वाले धीरेंद्र शास्त्री जी इस बार खुद समस्या में तब फंस गए जब उन्हें एक आदमी से मिल गया चैलेंज। दोस्तों, हुआ ये कि बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का नागपुर में रामकथा कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में अंधविश्वास उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें चैलेंज दे दिया। चैलेंज दिया गया कि धीरेंद्र शास्त्री अपनी दैवीय शक्ति साबित करें। अंधविश्वास उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज किया कि अगर आप में कोई वाकई दैवीय शक्ति है, आप लोगों की मन की बातें जान लेते हैं, टोने टोटके की आप बात करते हैं, तो साबित कीजिए मेरे आगे, इनाम में मैं आपको 30 लाख रुपए भी दूंगा। लेकिन खुद को मिले इस चैलेंज से पीछे हटकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री तय वक्त से पहले ही अपना कार्यक्रम खत्म करके नागपुर से वापस MP चले गए 2 दिन पहले ही। इस अखबार की कटिंग देखिए जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पूरे प्रकरण की डिटेल क्या है। दोस्तों, MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पंडित धीरेंद्र शास्त्री के परम भक्त बताए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी अभी कुछ दिन पहले इनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। यानी छोटी सी उम्र में पंडित धीरेंद्र शास्त्री की ख्याति बहुत बढ़ चुकी है। और मैं तो ये भी नहीं कह रही कि पंडित जी जो बात कहते हैं, जो दावा करते हैं, अपने भक्तों की समस्या बिना उनके कहे जान लेते हैं, ये सब ढोंग करते हैं ना भाई। लाखों में उनके भक्त उन पर इतनी आस्था रखते हैं, इतना बड़ा आश्रम है उनका MP में जिसमें कई कैमरे लगे होते हैं, लाइव कई यूट्यूब वीडियोज भी अपलोड होती है उनकी, तो ये सब ऐसे ही थोड़ी हो रहा होगा। जाहिर सी बात है उनमें कोई दैवीय शक्ति हो सकती है भाई, अनगिनत लोगों की आस्था है उनमें। जब इतने लोगों में भीड़ में वो ऐसी किसी को भी उठा के उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी समस्या, उसका समाधान सब बता देते हैं, तो चैलेंज एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत थी भाई। हाथ कंगन को आरसी क्या, कोई आपको चैलेंज कर रहा है आपकी शक्तियों के लिए तो उसको स्वीकार कीजिए और अपने आप को साबित कीजिए, इसमें हर्जी क्या है बताइए। तो मुंह पे जवाब देना चाहिए था श्याम मानव को पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने। श्याम मानव का कहना था कि वो राम कथा कहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें जो भूत प्रेत भगाने का काम करते हैं या जो दावा करते हैं वो गलत है, ये अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, यही उनका काम है अंधविश्वास को खत्म करना समाज में। दोस्तों, पंडित धीरेंद्र शास्त्री कार्यक्रम खत्म होने से 2 दिन पहले ही नागपुर छोड़कर चले गए वापस MP। अंधविश्वास उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के वीडियो पुलिस को सौंपकर अब जादू टोना विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें।